वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल क्रेज गेमिंग पे। तो गाइस, मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से रिकॉर्डिंग शुरू कर दूं, क्योंकि हमारे आज हो रही है बारिश, बड़ा सुहाना हो रखा है मौसम, दिन होने वाला है, बट फिर भी हम वेट नहीं करेंगे, हम जल्दी से जल्दी सो जाएंगे। और जी गाइस, ये हमारा कोजी कोजी सा घर कितना अच्छा लगता है, इसके अंदर आके दिल खुश हो जाता है। तो चलिए, सो के उठ के मैं आपको बताता हूँ कि आज हमने क्या करना है। ये सीक्रेट प्रोजेक्ट अभी के लिए फिर से एक सीक्रेट ही है, मैं ये इसको आज नहीं करूँगा। मैं सोच रहा था, हमने थोड़ा सा उस डायरेक्शन एक्सप्लोर किया, उधर हमारे स्वैंप हैं, ये और ये डायरेक्शन हमारी अभी रहती है, क्योंकि हमारे पास अभी तीन वुड टाइप है, स्प्रूस, बर्च और ओक, जो कि तीन बहुत आम है। मैं चाहता हूँ हमें मिले और भी तीन तरह के जो सैपलिंग्स हमारे रहते हैं, तो आज मैं उन्हें फाइंड करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, मैं सोचता हूँ कि आज हमें ईस्ट में चलना चाहिए, क्योंकि ईस्ट इज द बेस्ट। मेरे को पता है ये गलत बोला, बट फिर भी मैंने अपने साथ एक कंपास ले लिया है, इन केस अगर हम कहीं भटक भटक जाएं तो कंपास की हेल्प से मैं बहुत आसानी से वापस आ सकता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली कंपास तो जहाँ पे शो करेगा वहाँ पे हम आ जाएंगे जल्दी जल्दी। तो इस पहाड़ पे जरा मैं पहले चढ़ के आपको कैच करता हूँ। तो जी गाइज, हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, हमारा वहाँ पे है बसॉल्ट और कॉबलस्टोन जनरेटर। हेलो शीप, बाय मैम। हेलो, एक सेकेंड। अगर भाई साहब, मैं कसम से कहता हूँ, अगर न्यूटन खेलता होता ना माइनक्राफ्ट, सिर पकड़ के रोता वो अपना कि मैंने क्यों बनाया ग्रेविटी, भाई साहब कोई फॉलो नहीं करता उसको क्या। चलो, कुछ तो है सैंड और ग्रेवल जो उसको फॉलो करते हैं, अच्छी बात है, हमने न्यूटन की रिस्पेक्ट करी। ओए वुल्फ, हेलो, कैसे हो? ठीक हो? घर बार ठीक? इसको हम टेम कर सकते हैं गाइस, बट मेरे पास अभी बोन नहीं है, तो मैं इनको, ओ पूरा झुंड है भाई, देखो जाना नहीं यहाँ से कहीं भी, ठीक है, थोड़े टाइम में मैं तुमको लेने आऊंगा वापस। भाई यहाँ पे हमको वैली में चलते चलते ऐसे ही काफी सारे अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट देखने को मिलेंगे, मॉन्यूमेंट तो नहीं है बट कितने बड़े पहाड़ है। वो क्या है, एक सेकंड, हेलो, मैंने कुछ देखा वहां पे, अच्छा वो डार्क था इतने कलर का वो, भाई साहब। तो चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे घूमता हूँ, थोड़ा सा आगे जाके अगर मैं कुछ अच्छी चीज मिलती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, मैं इनकी बात कर रहा था, कितना अच्छा वाटरफॉल ऐसे लगा हुआ है यहाँ पे, मस्त स्ट्रीट। हेलो, ये क्या, कॉबलस्टोन, कॉबलस्टोन कैसे है भाई यहाँ पे? हेलो, मैं तो नहीं आया पहले यहाँ पे कसम से। अच्छा मैं अब समझा, ये है यहाँ पे, लगता है मेरे को लावा होगा, ऊपर से पानी आ गया, लावा बन गया वो कॉबलस्टोन। अच्छा समझ गया समझ गया, ओके। मैं तो भाई साहब ऐसे एरियाज को एक्सप्लोर करने में काफी ज्यादा मजा आता है, देखिएगा इस कितना मतलब सेटिस्फाइंग ब्यूटीफुल जैसा है ना मतलब। तो चलिए मैं अब कोई अच्छी चीज पहले ढूंढता हूँ, फिर आपको कैच करता हूँ, नहीं तो ऐसे ही एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। भाई साहब मुझे लिटरली आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है, ये हमारी वैलियां खत्म होने को नहीं आ रही। चलो कुछ प्लेन आया, स्प्रूस, ये तो हमारे पास बहुत है, हम दूसरे ढूंढने आए हैं आज। बाय बाय स्प्रूस, आज हम तेरे को नहीं लेके जाएंगे। गाइस ऑफलाइन मैं काफी ट्री माइनिंग करता हूँ, जो मेरे पास नेदर से हमको बोन ब्लॉक से बोन मील बनाता हूँ। ओए प्लेन बायोम आ गया, सबसे अच्छा। मेरे को स्प्रूस ना थोड़ी चिढ़ाती है, थोड़ा ना डार्क बहुत होता है वो, मेरे को ना ऐसे पसंद सा नहीं है मतलब, ब्राइट ब्राइट। ओए घोड़ा, हेलो। ओए समुद्र, हेलो, समुद्र आ गया, जल्दी जल्दी समुद्र आ गया। अभी कुछ है यहाँ पे, कुछ ऐसे ही फालतू आलतू है, इसी काम के लिए बोट लाया था ना, इसी काम के लिए। तो ए मुर्गी बहन आ जा, तू भी नहीं आना ना, चल मैं चलता हूँ। और गाइस आजकल मेरी बोटिंग पता नहीं बहुत खराब सी हो गई है, हिसाब किताब थोड़े माड़े हो रखे हैं भाई साहब, मोहरता मैं कहीं और हूँ। ओए मिल गए, यस गाइस मिल गए हमको, ये मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डार्क ऑक फॉरेस्ट। हेलो, जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, ये गिग्नेटिक होते हैं, काफी मोटे होते हैं,
और ये काफ़ी अच्छे रहते हैं बिल्डिंग के लिए, थोड़ा अगर डार्क जैसे इसको फीलिंग देनी है हमारी उसको, तो ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो जी गाइज, मैं इस पेड़ को अब चॉप डाउन करता हूँ। फिर इसके कम से कम गाइज मैं आपको बताता हूँ, 4 सैपलिंग चाहिए होते हैं, क्योंकि 4 सैपलिंग से ही, जैसे कई पेड़ तो होते हैं वो 4 से भी उग जाते हैं, 1 से भी उग जाते हैं, बट ये कुछ ऐसा पेड़ है जिसको 4 से कम तो भाई लगते ही नहीं ना, मतलब लूटना है इन्होंने पूरा भाई साहब, चोर हट। तो चलिए, अब मेरे पास अपनी हो है ये, यस गाइस फॉर्जन 3 वाली लाया था मैं, इससे मैं सारा तोड़ दूंगा, मैं काफी हद तक मिल ही जाएंगे इससे, 4-5 सैपलिंग, बट हमारे पास ही है, इतना दूर नहीं है। तो मेरे को लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए एक नेदर पोर्टल सेटअप करने की। पहले मैं जी गाइस, मैंने अपने लिए काफी ज्यादा लॉग ले लिए और ये अपने साथ डार्क सैपलिंग ले लिए, हमने अपना नेदर पोर्टल ही सेटअप करी जिसके अंदर हम चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे हमें उतारता है। ओ नो गाइज, मैंने अपने साथ कुछ पोशन पोशन नहीं लिया यार, करा कुछ करके रखो, ऐसे दबा के रखो। बारिश, अच्छा हाइट हाइट, मैं आया हूँ यहाँ। ओ यस गाइज, तुम्हारे बहुत पास आ गया, बिल्कुल हमारे नेदर पोर्ट, नेदर फोर्ट्रेस। भाई साहब भागो, कहाँ को जाऊँ मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ को जाऊँ। तो चलिए, हमारे पास काफी इजी ट्रैवलिंग होगी हमारे पास, ये हमारा ये है। तो चलिए, अब हम एक शॉर्ट ट्रिप लेते हैं अपने घर को, डरता नहीं मैं किसी से, आ जाओ जिसने आना है। हाँ जी गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपने अंदर में, यहाँ से 2 ब्लॉक तोड़ के हम यहाँ पे आ गए, और चलिए अब चलते हैं सीधे अपने घर पे। मैं वहां तक भी एक ऐसा ही एक नेदर पोर्टल पूरा तैयार करूंगा, अभी नहीं मतलब उसको छोटा ही बनाऊंगा, बिल्कुल बेस रखूंगा। तो चलिए गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही, होप यू एंजॉयड द एपिसोड, इफ यू एंजॉयड द एपिसोड देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल क्रिस गेमिंग। Until then, thank you and goodbye.